चंद दिन है तुम्हारे पास, सोचो अपने दिमाग से और दिल से मेरे पास आ जाओ। क्यों इस छोटे से घर और बख्शी हुई कार पर भरोसा कर रही हो? नौकरी जाएगी ना, सब जाएगा, और ये अकड़ भी। और मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा सड़कों पर आ जाओ। खालिस डायमंड है मैडम, आप जैसी इंटेलिजेंट लड़की के लिए खास तौर पर सुहेल साहब ने ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया। बस एक बार आप अपने फैसले पर नजरसानी कर लें। निकल जाओ अभी इसी वक्त यहां से, और जाकर सुहेल साहब को और उनके वालिद को भी ये बात बता दो कि लोगों को पैसों से खरीदना छोड़ दें, वरना बहुत नुकसान उठाएंगे। हमारे नुकसान की छोड़ें मैडम, आप अपने फायदे की सोचें। तुमने फजल बिल्डर्स के साथ दुश्मनी बना ली, और मेरा नहीं ख्याल वो खामोश रहेंगे, इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। ताले खाना। मुझे मेरा फोन चाहिए। बस खाना नहीं खा रही। मेरी बात करवाओ। चलो मैडम, कहा था ना तुम्हें फोन की क्या जरूरत, तुम्हारे लिए खुद फोन आएगा। हेलो। दादी बहुत रो रही थी। मेरी दादी से दूर रहो। मैं तो दूर हूँ तुम्हारी दादी से, लेकिन लोगों का क्या करूं, तुम्हारे घर में घुसकर बैठ गए हैं, परेशान कर रहे हैं तुम्हारी दादी को, तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। अच्छा ही तो करना चाहता हूँ। मैंने तो तुम्हारी दादी को भी कहा था कि चले चलते माँ पारा को लेकर आते, लेकिन वो नहीं मानी। मैंने कहा मेरी दादी से दूर रहो। आएंगी, एक दो दिन में आएंगी, तुम फिक्र मत करो। जब तुम्हारी हालत का पता चलेगा ना, तो खुद चलकर मेरे साथ आएंगी। एक दो दिन? अगर तुम उस थप्पड़ का अजाला करने को तैयार हो तो बताओ। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त छुड़वा सकता हूं। बोलो, मंजूर है? बोलो, इसके बदले क्या कीमत चाहिए तुम्हें? तुम्हारे पास हुसून के अलावा कुछ है ही क्या जो दो? बस थाने से आजाद होकर मेरी मोहब्बत की कैद में आ जाओ। बकवास बंद करो। नहीं 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 नहीं, अगर तुम्हें बाहर आना है तो अपनी आवाज नीचे रखो। तुम्हारी बात तो मैं मरकर भी नहीं मानूंगी, और अगर मुझे सारी जिंदगी जेल में भी गुजारना पड़ी ना, तो मैं गुजार लूंगी, लेकिन तुम्हारी शक्ल पर थूकना भी गवारा नहीं करूंगी। बस कर दो मैडम, हल्की हो जाओ, दिमाग की गर्मी खत्म नहीं हुई अभी तक। आपने जैसा कहा है वैसा ही कर रहे हैं। सुबह तक इंतजार करो। अगर इसका दिमाग ठिकाने आ जाए तो ठीक है, वरना इसका वो हाल करो कि अपना नाम भी भूल जाए। ओके बॉस।